सिविल इंजीनियरिंग के सबसे अच्छे टीचर क्यों मेडी जी छोड़ और सारे सब्जेक्ट कैसे सर पढ़ा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्जाम में। आज हम बात करेंगे टीचर सीरीज पार्ट टू में, जो सिविल इंजीनियरिंग का है और एक ऐसा टीचर जो सारा सब्जेक्ट कवर कर लेता है, ऑलमोस्ट सारा सब्जेक्ट कवर, लोग उनको गॉड बोलते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का गॉड बोलते हो, कौन सा टीचर है और उनके बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं, कैसा क्या है, सब कुछ डिटेल्स जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस टीचर का नाम है सर कंचन ठाकुर सर, एक एक्स आईएएस ऑफिसर जो हैं और जो पहले से बहुत ज़्यादा पहले से ये इनके पास एक्सपीरियंस है और ये आईआईटी रुड़की से बीटेक हैं और एक्स आईएएस ऑफिसर बहुत शानदार टीचर हैं। और भी चीज़ें हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल समझेंगे क्या है। कंचन ठाकुर सर की बात किया जाए तो कंचन ठाकुर सर के टीचिंग एक्सपीरियंस की बात किया जाए, ये सारा सब्जेक्ट कैसे पढ़ा लेते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये पहले क्या था, ये पहले एक मेडीजी में पढ़ाते थे और मेडीजी क्यों छोड़े वो बाद में हम बात करेंगे। मेडीजी में पहले मेडीजी में ये कंचन ठाकुर सर और बी सिंह और एम के सर तीनों लोग मिल के शुरू किए थे मेडीजी और तीनों एक लोग साथ पढ़ाते थे। और पढ़ाने के बाद ये कुछ ऐसा चीज़ें हुआ जो बाद में ये 2011 में इन्होंने अपना एक ईएस मास्टर खोला, ईएस मास्टर को इन्होंने ओपन किया और उसके बाद इनकी ये फाउंडर हैं। ये चीज़ें हैं और ये कैसे सारे सब्जेक्ट को कवर करती हैं भी देखते हैं। तो ये कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ईएस मास्टर में, तो ये इनका सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सॉइल, सोम, स्ट्रक्चर, फ्लूड मैकेनिक्स और भी सब्जेक्ट हैं, इन्वायरमेंटल, बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे टीचर हैं, कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे टीचर मिल नहीं सकते, जो पढ़ा देते हैं ना भूल नहीं सकते, ये एक मेथड ना कई टाइप से बताते हैं। और सोम हुआ कई टाइप से बताते हैं आपको, शेयर फोर्स निकालने के बहुत सारे वे बताएंगे, स्ट्रक्चर में बहुत सारा वे बताएंगे, सॉइल में बहुत सारा एक कॉन्सेप्ट को कई मेथड से बताते हैं और इन्वायरमेंटल भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये ओवरऑल देखा जाए एक बहुत बड़ा पैकेज है और ये ऐसा आई थिंक मैं सिविल इंजीनियर में कोई टीचर को नहीं देखा। पहला वीडियो आपने देखा जसपाल सर का, वो स्ट्रक्चर में इतने स्ट्रांग नहीं है कंपेयर टू इनसे, ये सारे सब्जेक्ट को कवर करते हैं, ये बात है। इसलिए यस मास्टर को लोग प्रिफर करते हैं, रीजन बिहाइंड यही है क्योंकि कंचन ठाकुर सर एक ऐसे टीचर है सारे सब्जेक्ट और ये बेसिक लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाते हैं और इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट कि कोई भी क्वेश्चन आप भूलोगे नहीं करने से पहले और कॉन्सेप्ट नहीं भूलोगे। ये चीज़ें हैं कंचन ठाकुर सर के बारे में और ये इन्होंने एक आईआईटी रुड़की से बीटेक भी किया, एक्सपीरियंस भी बहुत सारा है और इनके जो कंटेंट होते हैं, जो इनको बुक बनाया जाता है, अल्टीमेट होता है, कोई भी ले लो ईएससी, सिविल सर्विसेज, एसएससी, गेट, जो भी हो सारे अच्छे होते हैं। इसलिए मेडी जी ईएस मास्टर लोग बोलते हैं कि ज्वाइन करो कंचन ठाकुर के सर के अलावा, कंचन ठाकुर ही सर है ऐसे। बट ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो पढ़ाने का हर सब्जेक्ट का इतना बोझ नहीं ले सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है। और एक आईएएस ऑफिसर हैं अच्छे रैंक से, टॉप 100 से के अंदर है रैंक इनकी, ये बोल सकते हैं 10, 11, 12, 13 रैंक ऐसी इनकी है। ओके, बात आ जाती है मेडी जी उन्होंने क्यों छोड़ा, ये भी एक टॉपिक होता है क्योंकि एक अच्छे टीचर थे तो मेडी जी उन्होंने क्यों छोड़ा, ये बहुत आपके माइंड में बहुत ज़्यादा वो चलता है। तो मेडी जी छोड़ने का रीज़न क्या था, देखिए एक चीज़ होता है जैसे आपका शेयर, आप देखो 2-3 पार्टनर लोग हो ना तो शेयर में आपकी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, पैसे को लेकर और चीज़ें हो जाए, आपका उतना वो ना मिलना जैसे आपको रिस्पेक्ट मिलता उतना रिस्पेक्ट ना मिलना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उन्होंने उसके बाद जाके ईएस मास्टर मेडीजी से निकलने के बाद, यस अब इन्होंने बुक जो भी मेडीजी का भी कंटेंट बनाया था इन्होंने ही बनाया था, फिर बाद में क्या है कॉपीराइट का इशू आ गया, इन्होंने वही कंटेंट यूज करना चाहे बट कॉपीराइट मेडीजी से इन लोगों दोनों सर में बवाला हुआ, बी सिंह और ये सब में, फिर इन्होंने अपना खुद का कंटेंट क्रिएट किया और बनाया न्यू तरीके से बनाया इन्होंने। और उसके बाद आज देखिए मेडीजी से अच्छा कंटेंट मुझे ईएस मास्टर का लगता है, मैं भड़का नहीं रहा हूँ किसी को गाइज, बट कंटेंट देखेंगे ना तो दोनों में बहुत डिफरेंट है और इन्होंने मेडीजी इसलिए छोड़ा। ओके, और बहुत सारे टीचर देखिए मेडीजी अब ईएस मास्टर में अच्छे टीचर के नहीं है, बहुत सारे टीचर नहीं है बट 4-5 टीचर हैं बहुत अच्छे, और भी टीचर ला रहे हैं बट इनको लाना पड़ेगा ही क्योंकि अपने सर आप उतना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं, अपने ऊपर बोझ नहीं ले सकते, तो इनको टीचर लाने पड़ेंगे, तो अच्छे टीचर लाने पाएंगे। कॉल्ड बादल सर थे, बादल सर भी पहले ईएस मास्टर में थे बट अब मेडी जी ज्वाइन कर लिए हैं, तो मेडी जी ऑफर ज़्यादा कर देती है इसीलिए लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी ओवरऑल पैकेज। तो ओवरऑल बात किया जाए मैं सिविल इंजीनियरिंग को, इनको गार्ड इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर में हम नंबर 1 पे रखूंगा,
कोई ऐसा टीचर नहीं है जो ऐसा इनकी तरह पढ़ा सकता है, ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। तो ऐसे एक टीचर हैं, बहुत अल्टीमेट कॉन्सेप्ट देते हैं, बहुत अल्टीमेट कॉन्सेप्ट देते हैं गाइस, इसलिए ईएस मास्टर लोग बोलते हैं ज्वाइन करो। तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो यहीं तक वीडियो रखते हैं, नेक्स्ट टीचर की बात करेंगे। आप कम्युनिटी टाइम में देख लेंगे किसके बारे में बात करेंगे, वो भी देख सकते हैं। ये सिविल इंजीनियरिंग का दूसरा वीडियो था। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।